इसलिए नहीं है कि हम केवल पेट भरें और मौज मस्ती करें, यह विशिष्ट लक्ष्य की पूर्ति के लिए है। और मेरा वो लक्ष्य है अपनी जनता और प्रदेश की सेवा करना, क्योंकि जनता ही में मैं राम देखता हूं, सृष्टि के कण कण में भगवान विराजमान है, हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है। तो इसी सोच से मैंने ये पंक्तियां लिखी हुई है पीछे, ताकि मुझे हमेशा याद दिलाती रहे कि तुझे राम का काम करते रहना है, मतलब जनता का काम करते रहना है। विजय जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, विजय जी की आवाज नहीं पहुंच रही है मुझ तक। विजय सर माइक चालू कर लीजिए अपना। विजय जी माइक चालू की, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही। मुख्यमंत्री जी आपको आज पूरा 1.5 महीना हो गया है, 23 मार्च से लेकर के आज 6 मई को हम लोग बैठे हुए हैं। 1.5 महीने से पूरा मध्य प्रदेश कोरोना संक्रमण से बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। ये जो पूरा 1.5 महीना है, इसमें आपने भी लगातार काफी बैठकें की है, काफी अलग अलग पॉलिसीज पे काम किया है, अलग अलग तरीके से आप संघर्ष कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि बीता 1.5 महीना में प्रदेश ने क्या खोया है, क्या पाया है, प्रदेश की क्या ताकत सामने आई है, और आप कोरोना से कैसे लड़ रहे हैं? एक पहले आपका पूरा वक्तव्य हो जाए, फिर हम लोग उस पर शुरुआत करेंगे आगे। विजय जी मैं 23 तारीख की रात को 9 बजे मैंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। जब मैंने शपथ ली तो पूरा मध्य प्रदेश कोरोना के संकट से घिर चुका था। जबलपुर भोपाल में पॉजिटिव केस आ चुके थे सामने, और इंदौर में जब हमने टेस्ट कराना शुरू किया, क्योंकि टेस्टिंग की व्यवस्था ही नहीं थी, लेकिन जैसे संकेत इंदौर से मिल रहे थे, हमने तेजी से टेस्ट सैंपल लेके टेस्ट करने की व्यवस्था की, तो 24 से भरमार पॉजिटिव पेशेंट्स की निकली। मतलब काफी पहले ही कोरोना फैल गया था, लेकिन तब जो उपाय किए जाने चाहिए थे समय रहते हुए, वो उपाय हुए नहीं। और इसलिए जड़े कोरोना ने इंदौर में भी जमा ली थी, भोपाल में भी गहरी कर दी थी, प्रदेश के अन्य शहरों में भी फैल गया था। अब मैं मानता हूं कि मेरे मुख्यमंत्रित्व काल की कहिए, या मैं तो कहता हूं मानव सभ्यता के इतिहास की सबसे ऐसी महामारी, सबसे बड़ी और भीषण महामारी जो आदमी से आदमी में फैलती है। बाकी महामारी में आप जाए, लोगों से मिले, स्नेह करें, लेकिन ये बीमारी ऐसी थी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगती थी। तो ये संकट का दौर है, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन संकट में ही, चुनौतियों में ही काम करने का नया भी मिलता है और नेतृत्व की पहचान भी होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा देश ने प्रभावी लड़ाई लड़ी और एक हद तक कोरोना को फैलने से हम कंट्रोल कर पाए, क्योंकि वैक्सीन कोई नहीं है, दवाई कोई नहीं है, संपर्क की चैन तोड़ना ही, कड़ी तोड़ना ही इसका इलाज है। तो जितना प्रभावी लॉकडाउन हुआ, थमा रहा मामला, मध्य प्रदेश में भी दिन और रात जनता के साथ मिलके हमने न केवल जनता, जनप्रतिनिधि, माननीय सांसदगण, विधायकगण, पत्रकार मित्र, मीडिया के ने भी भरपूर सहयोग किया, पत्रकार का भी खूब सहयोग मिला, समाज के अलग अलग वर्गों के लोगों से बातचीत करके, चर्चा करके, उनसे सुझाव लेके, उनको प्रेरित करके हमने व्यवस्थाएं बनाने की कोशिश की। प्रारंभ जब हमने किया था तो एक टेस्टिंग लैब थी मध्य प्रदेश में कुल, जिसमें सैंपल की जांच होती थी, और क्षमता थी केवल 60। आज हमारे पास 14 लैब है और लगभग 2700 सैंपल की हम जांच कर सकते हैं मध्य प्रदेश में ही। तो हमारा बैकलॉग खत्म हो गया, नहीं तो मुझे तो दिल्ली, पांडिचेरी, पता नहीं कहां कहां सैंपल टेस्ट करने के लिए भेजने पड़े। यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं थी, व्यवस्थाएं ध्वस्त थी, कोविड डेडिकेटेड अस्पताल नहीं थे, कोई भी व्यवस्था और सिस्टम बना हुआ नहीं था, लेकिन संकट के समय वो सिस्टम बना, जनता को साथ लिया। और आज मैं ये कह सकता हूं कि चुनौती है, इसमें कोई दो मत नहीं, क्योंकि कोरोना के बारे में हम आज नहीं कह सकते कि कल खत्म हो जाएगा कि 10 दिन बाद खत्म हो जाएगा। अब बाहर से मजदूर हमारे आ रहे, अब उनमें कोई पॉजिटिव आ गया तो पता चला कि हमारा शहडोल पॉजिटिव हो गया, फिर हमारा टीकमगढ़ पॉजिटिव हो गया, फिर हमारा अनूपपुर पॉजिटिव हो गया, लेकिन अब वो भी हमारे भाई बहन है, लाना भी है उनको, सावधानी भी पूरी रखनी है। लेकिन मुझे संतोष से ये कहते हुए कि हम कोरोना को काफी हद तक कंट्रोल कर पाए हैं। अब इंदौर में भी पॉजिटिव जो संख्या आ रही है
वो काफी कम हुई है। अब अस्पताल जितने लोग आ रहे हैं उससे ज्यादा अस्पताल से स्वस्थ होकर बाहर निकल रहे हैं। प्रारंभ में जो लापरवाहियां हुई, चाहे वो तबलीगी जमात वाला मामला हो या इंदौर में फैलने का मामला हो, आईफा की तैयारी होती रही लेकिन कोविड से निपटने की तैयारियां नहीं की गई, इस कारण हुई। लेकिन अब हम ये मानते हैं कि सावधानी रखने की जरूरत तो है ही, और पत्रिका के माध्यम से प्रदेशवासियों को मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि निश्चिंत ना हो जाएं। और एकदम जैसा कई जगह हमको लाइनें देखने मिली एकदम निकल पड़े तो उससे खतरा बढ़ेगा। इसको नियंत्रण हमारे देश में ही संख्या 50,000 के पार हो गई पॉजिटिव पेशेंट्स की, तो सावधानी रखनी पड़ेगी। सावधानी में ही सुरक्षा है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, कहीं से भी किसी को लगा और वो फैला, तो वो तो रखनी पड़ेगी हमको, लेकिन एक हद तक हम इसको कंट्रोल कर पाए। तो मुख्यमंत्री जी, ऐसा आपको लगता है कि जो कमलनाथ सरकार गई और उसके बाद में आपकी सरकार आई, उसके बीच का जो वक्त था, क्या वही संक्रमण काल था जो कोरोना को पूरे प्रदेश में लेकर के आ गया? क्या आपको लगता है कि आपकी सरकार शायद पहले से होती तो मध्य प्रदेश के हालात कुछ जुदा होते, कुछ अलग होते? देखिए, हमको सजग हो जाना चाहिए था जनवरी में। जनवरी से देश में पॉजिटिव केस आना शुरू हो गए, वुहान की हालत हमने देखी थी, तब से ही हमको सचेत और सजग होके कार्रवाइयां प्रारंभ करनी थी, सिस्टम बनाना था, व्यवस्थाएं खड़ी करनी थी, लैब बनानी थी, पीपी किट का इंतजाम करना था, लेकिन उस समय और ट्रेनिंग देनी थी, उस समय वो इंतजाम नहीं हुए। कोई भी सरकार जिस दिन तक रहती है उस दिन तक उसको काम करना चाहिए, सरकार ने उस समय काम नहीं किया इसलिए संकट बढ़ा। लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, इस समय तो हमको कोशिश करनी है कि सबके साथ मिलकर हम इस संकट से अपनी जनता को निजात दिलाएं, मुक्ति पाएं। उस दिशा में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और जनता के सहयोग से हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं कोरोना योद्धा जो सब कुछ छोड़ के अपनी जान हथेली पर रख के, जान जोखिम में डाल के और लगातार सेवा कर रहे हैं ऐसे पेशेंट्स की, डॉक्टर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, वार्ड बॉय हो, नर्स हो, पुलिस के साथी हो, बाकी विभागों के भी लगे हुए कर्मचारी हो, उन सबको भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने संकट के समय प्रदेश की पूरे समर्पण के साथ सेवा की है। अभी शिवराज जी, आपने जिक्र किया मजदूरों का कि जो बाहर से मजदूर आ रहे हैं, तो अभी पूरा देखने में ऐसा लगता है कि जो मजदूरों की जिंदगी है वो सबसे ज्यादा मझधार में है। सब अपने वतन लौटना चाहते हैं, लौट भी रहे हैं, सरकार भी इसको लेकर के काफी इंतजाम कर रही है, लेकिन फिर भी मजदूरों को भारी परेशानी झेलना पड़ रही है। तो जो मजदूर अपने गाँव पहुंच गए हैं, क्या आपको लगता है कि प्रदेश सरकार उनको रोजगार उपलब्ध करा पाएगी, उनके बच्चों की शिक्षा, उनकी सेहत के बारे में कुछ बड़ी स्कीम्स ला पाएंगे, ऐसा कुछ लगता है आपको? आपके क्या स्टेप्स होंगे? हम एक तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग कर रहे हैं और एक हमको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी। शॉर्ट टर्म प्लानिंग में हमने जितने काम शुरू कर सकते हैं, विशेषकर जो इलाके ग्रीन जोन है या ऑरेंज जोन है, रेड जोन में तो गतिविधियां हम कर नहीं सकते आर्थिक, इसलिए उनमें अब कल ही मैंने जो जानकारी ली, रोज मेरे पास हिसाब आता है, मनरेगा के अंतर्गत ही कल लगभग 12,00,000 मजदूरों को काम ग्रामीण क्षेत्रों में हमने दिया, क्योंकि काम इस समय चाहिए। बाहर से भी जो मजदूर आ रहे हैं, हमारे भी जो मजदूर हैं, फिर हमने तेंदुपत्ता की तुड़ाई में लोग लगेंगे, वनोपज के संग्रहण का काम, वनोपज खरीद भी हम रहे, हमने फिर पहल करके बीड़ी श्रमिक बीड़ी बनाते हैं तो बीड़ी में भी काम मिलता है, तो बीड़ी के निर्माण का काम बुंदेलखंड में, जबलपुर संभाग में मास्क बनाने का काम, फिर निर्माण के जितने काम हम शुरू कर सकते हैं, जहां ग्रीन जोन है वहां सड़क निर्माण की गतिविधियां शुरू हो, भवन का निर्माण शुरू हो, सिंचाई की योजना पे हमने काम शुरू कर दिया है। जब ये काम शुरू होगा तो कई लोगों को रोजगार मिलेगा, अधिकतम जितने काम कर सकते हैं। फिर आप देख रहे हैं कि पूरे ग्रामीण क्षेत्र में गेहूं की खरीदी चल रही है, चना मसूर सरसों की खरीदी हमने प्रारंभ की है, इससे किसान के हाथ में पैसा आएगा, वो दुकान पर जाएगा, सामान खरीदेगा, तो अर्थव्यवस्था का पहिया चलेगा। और इसलिए जितनी भी आर्थिक गतिविधियां शुरू की जा सकती है वो हमने शुरू की है, तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग है। हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है कि भविष्य में हम अधिकतम लोगों को और रोजगार दे पाए, क्योंकि जो आ रहे हैं उनका भी सोचना पड़ेगा, तत्काल भी सोचना पड़ेगा, बाद में। एक मैंने संबल योजना कल रिलॉन्च की है और संबल ने गरीबों की जिंदगी को आसान किया है, क्योंकि संकट के समय अगर कुछ सुविधाएं गरीबों को मिल जाए, मसलन सस्ता राशन हम दे ही रहे, कोई कमी नहीं आने दे रहे, जो राशन कार्ड धारी नहीं है
उसको भी राशन देने का काम कर रहे हैं ताकि कोई परिवार भूखा ना सो जाए, ध्यान जैसे अन्य की आवश्यकता है पहुंचा रहे हैं। लेकिन संबल योजना में हम लोगों ने जो बाकी प्रावधान किए, बच्चों की फीस की व्यवस्था, अगर मेधावी बच्चे हैं उनका एडमिशन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में हो जाए तो माँ बाप चिंता से मुक्त रहें, और गरीब के बेटे भी डॉक्टर इंजीनियर बन पाए इसलिए उनकी फीस भरवाने की व्यवस्था, बेटा बेटी को जन्म अगर बहन दे तो जन्म के पहले 4,000, जन्म के बाद 12,000, ताकि अगर कोई गर्भवती बहन है तो बेटा बेटी के जन्म तक तो काम ना करना पड़े, महीना भर पहले से उसको आराम मिले, इसके बाद महीना दो महीना बाद में आराम मिले, फिर सस्ती बिजली देने का काम, उसके अलावा बेटी की शादी का काम, फिर एक्सीडेंट हो जाए तो 4,00,000 रुपए की सहायता, सामान्य मृत्यु हो जाए तो 2,00,000, अंतिम संस्कार के लिए 5,000। मैंने संबल भी कल फिर से इसलिए चालू की, पुरानी सरकार ने ठंडे बस्ते में फेंक दी थी, कि गरीबों को एक सहारा इससे मिलेगा और कम से कम जो जरूरी चीजें हैं वो जरूरी चीजें, जरूरी खर्चे उसके रुकेंगे नहीं, जन्म से लेके जीवन पर्यंत तक की व्यवस्था संबल में हमने की है। तो ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग है हमारी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए हमने एक सलाहकार समिति उद्योगों की बनाई है, निवेश कैसे हम आमंत्रित करें, लेबर लॉज में विजय जी क्रांतिकारी परिवर्तन हमने कर दिए। जैसे एक परिवर्तन हमने ये किया है, आज ही मैं अभी एमएसएमई से 3 बजे बात करने वाला हूँ, उनसे भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा होगी। हमने एक परिवर्तन ये किया कि अगर कोई नया उद्योग लगाएगा, निवेश लेके आएगा, 1,000 दिन तक लेबर लॉज के प्रावधान उस उद्योग पर लागू नहीं होंगे, मिनिमम वेजेज हम सुनिश्चित करेंगे, लेकिन बाकी चीजें उस पर हम अभी एकदम लागू नहीं करेंगे ताकि उद्योग खड़ा हो सके। हमने, मैं पूरी जानकारी आपको भेजूंगा, जो व्यापक परिवर्तन किए हैं, वर्षों से जिन पर चर्चा कर रही थी श्रम कानूनों में सुधार की, वो हमने किए हैं अनेकों, ताकि लंबे समय में छोटे उद्योग भी लगें, लेकिन छोटे उद्योगों के साथ अगर दुनिया के किसी देश से उपता के, जैसे चीन की बात सुनते हैं, लोग दूसरे देशों में जाना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश में भी आए, उसके अनुकूल हमने परिवर्तन करने का उसमें प्रयास किया है। उद्योग हो, लघु उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, स्वदेशी स्वावलंबन पर जोर देते हुए भारतीय जीवन मूल्य और परंपराओं के अनुरूप कुछ उद्योग लगे जो प्रकृति को भी बचा पाए, जिसमें ऊर्जा की खपत कम हो, वो भी हमारी प्लानिंग का हिस्सा है। लेकिन उसके साथ साथ हम खेती को और कैसे, बहु अलग अलग आयाम है उसके, उस पर हम कैसे काम कर सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग को कैसे और बढ़ावा दे सकते हैं, हमारे किसान जो जिन्होंने अपनी समूह बना रखे अलग अलग, उनको ताकतवर कैसे बना सकते हैं। हमने मंडी एक्ट में संशोधन किया और संशोधन करके ये व्यवस्था की कि मंडी तो चालू रहेंगी, जिनको मंडी में बेचना अनाज मंडी में बेचे, लेकिन मंडी में आने की बाध्यता नहीं है, किसान चाहे तो अपने घर, अपना खेत पे या घर अपने अनाज को, फल को, सब्जियों को बेच सकता है, और लाइसेंस लेके कोई भी व्यापारी उनके खेत पे जाके खरीद सकता है, उनके घर पे जाके खरीद सकता है, प्राइवेट मंडी स्थापित हो सकती है। हमने ई मार्केटिंग की व्यवस्था भी की कि चेन्नई में अगर भाव ठीक मिले, कोलकाता में ठीक मिले, तो भोपाल के किसान को पता होना चाहिए कि वहां इस भाव चना बिक रहा है, इस भाव मसूर मिल रही है, वो अपने उत्पाद को वहां ऑनलाइन ट्रेडिंग के जरिए, ई ट्रेडिंग के जरिए भी कर सके। मंडी एक्ट में भी हमने क्रांतिकारी प्रावधान किया है। तो एक नहीं, अनेकों उपाय करने पड़ेंगे, लेकिन मैं मानता हूं कि संकट में आपको अवसर भी मिलता है अपने प्रदेश को खड़ा करने का। मैं संकट है ये मानता हूं, लेकिन इस संकट में कैसे प्रदेश को इस चुनौती से उबार के एक नए स्वरूप में हम खड़ा करें, ये अवसर भी हमें मिला है, और इस अवसर को मैं छोड़ूंगा नहीं, सरकार छोड़ेगी नहीं, हम प्रयास करेंगे कि नए नए ढंग से हम काम करके अलग अलग दिशाओं में रोजगार के अनेकों अवसर हम खड़े करें। मुख्यमंत्री जी, कल जो आपने संबल योजना चालू करी है वो काफी विवादित, कांग्रेस सरकार ने उसको बताया, उसने कहा कि इसमें कहीं गड़बड़ियां हुई है, आज आपने इसको पूरी रिलॉन्च किया, तो मतलब वो कह रही है कि इसको रिलॉन्च करना गलत है, आप कह रहे हैं कि इसको बंद करना गलत था, तो ऐसा क्या चीज है इसमें, निगरानी व्यवस्था क्या बढ़ाने जा रहे हैं संबल योजना के अंदर, क्या इसमें ऐसी बात थी जिससे कि कांग्रेस में, देखिए हमने बहुत इसका रजिस्ट्रेशन बहुत सरल बनाया था जी, कई बार जटिल प्रक्रिया में गरीब आदमी फंस के रह जाता है। हमने कहा था व्यक्ति खुद प्रमाणित करेगा कि वो पात्र है कि नहीं, और उसका मतलब ये है कि अगर
एक हेक्टर से कम जमीन है, अगर वो सरकारी नौकरी में नहीं है, अगर वो इनकम टैक्स नहीं देता, ऐसे मोटे हमने मापदंड तय किए तो वो संबल योजना का हितग्राही होगा। इस तरह के मापदंड हमने बनाए। अब इन सब चीजों को प्रमाणित करने के लिए हम कोई फॉर्म भरवाते तो वो दफ्तरों के चक्कर लगाते ही रह जाता। तो हमने कहा भी सप्रमाणीकरण होगा, और अगर कोई जानकारी गलत देगा तो उसका रजिस्ट्रेशन हम कैंसिल कर देंगे, रद्द कर देंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। अब ये स्वप्रमाणन की व्यवस्था है, उसमें लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन करवाया और उसमें अगर किसी का गलत पाया गया तो उसको निरस्त कर दिया गया। अब नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, गरीबों को लाभ देना नहीं है, अब उसमें ये गड़बड़ हो गई, इसमें ये गड़बड़ हो गई। केवल इस तरह की बातें करते रहना, मैं मानता हूं केवल लांछित करना और दोष लगाने के समान है। इतनी बड़ी सामाजिक न्याय की योजना, गरीबों के कल्याण की योजना दुनिया में आज तक नहीं बनी जितनी बड़ी संबल है। और इसलिए गरीबों का संबल है, गरीबों का सहारा है, इसको बंद करना गरीबों के साथ अन्याय था। शिवराज जी, जी एक सवाल फेसबुक के एक दर्शक का एक सवाल है। भोपाल से पीयूष शुक्ला पूछ रहे हैं शिवराज जी कि बिजली के बिलों में कोई राहत देने की सरकार की कोई योजना है क्या? देखिए, हमने तो संबल योजना में, मतलब गरीबों के बिजली के बिल ही इतने सस्ते कर दिए हैं कि उसको जमा करने में कोई अड़चन ही नहीं है। अब हर महीने 100 रुपया बिजली का बिल, मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी राहत है, नहीं तो पता नहीं कितने बड़े बड़े बिल आते थे। तो इसलिए पहले से ही उसको काफी सरलीकरण कर दिया है। सरल बिजली बिल योजना हमने बनाई थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी कोई हम ऐसा नहीं कर रहे कि आज ही दो, कोई दिक्कत और परेशानी है तो देखेंगे, लेकिन इतना काम कर दिया कि कोई सवाल ही किसी को परेशान होने का नहीं है। हाँ, उसमें एक चीज जरूर हम देखेंगे कि सरल बिजली बिल योजना का लाभ कोई अमीर ना उठा पाए, कोई बड़ा आदमी ना उठा पाए, उतना जरूर देखेंगे, गरीबों को दिक्कत नहीं आने देंगे। एक शिवराज जी, कुछ राज्यों ने पेट्रोल और डीजल पर कुछ वेट बढ़ाया है, शराब पर भी कुछ सेस लगाया है, आपकी सरकार भी कुछ इस तरीके का फैसला लेने जा रही है क्या कि कुछ राज्य के खजाने को भरा जाए मदद करने के लिए? कोरोना ने आर्थिक रूप से राज्यों की हालत और केंद्र की भी बहुत बुरी कर दी है, बहुत खराब, अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई है। हम मुझे स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है, इस समय खजाना खाली है क्योंकि टैक्स से ही पैसा आता है। अब सब चीजें बंद थी, पहले से ही हालत खराब थी, तो अब बाकी पैसा आने का कोई सवाल ही नहीं। और इसलिए आर्थिक गतिविधियां जैसे जैसे शुरू होगी, थोड़ा पैसा आना शुरू होगा। इस समय संकट में है, हर एक राज्य संकट में, और इसलिए अतिरिक्त रेवेन्यू जुटाना ये जरूरी है। और इसलिए हम लोग भी गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि शराब जैसी चीज ये अत्यावश्यक नहीं है, इस पे कोरोना टैक्स लगाया जाए। इस पे अभी मैंने आज वित्त के साथ विचार विमर्श किया है, पूरी गंभीरता से विचार करके हम इस पर फैसला करेंगे। इस समय अतिरिक्त रेवेन्यू की आवश्यकता इसलिए कि कुछ है ही नहीं, और फिर वेलफेयर के जो काम है, मजदूरों के कल्याण के, गरीबों के कल्याण के, किसानों के कल्याण के, ये हमको चलाते रहना पड़ेगा। और इसलिए अतिरिक्त टैक्स जुटाने के लिए कुछ उपाय करना, जो मैंने बताया कि अब शराब जैसी चीजें ऐसी है कि जिन पे टैक्स लगाया जा सकता है, कुछ राज्यों ने शुरुआत की है, हम भी उस पर गंभीरता से सोच रहे हैं। मध्य प्रदेश के जो रेड जोन वाले लगभग 9 जिले हैं, इसमें जो सबसे खास करके इंदौर, भोपाल और उज्जैन, इन जिलों को पे कब तक सुधार की आपको संभावना लग रही है? क्या आपको लगता है कि मई का जो महीना है इसी में हम इनको ग्रीन जोन में देखेंगे या ऑरेंज जोन में देखेंगे, ऐसा कुछ लगता है आपको? विजय जी, इंदौर मैं मानता हूँ अब काफी कंट्रोल में है, पॉजिटिव प्रकरण की संख्या, पेशेंट्स की संख्या आना काफी कम हुई है वहां, और व्यापक पैमाने पर सैंपल लेके वहां का सर्वे। हाई रिस्क
जो हो सकते थे लोग उनका कमी आई है, तो इंदौर को अब पूरी कंट्रोल कर लिया है, कुछ पॉजिटिव रहे क्योंकि पहले ही कोरारी को पूरी तरह से खत्म हो नहीं सकता महानगर है, और देखते कहीं से किसी से मिला कहीं से आ गया तो ये संभावना बढ़ती है, लेकिन कंट्रोल है पूरी तरह से और मुझे लगता है स्थिति लगातार। भोपाल में भी अगर आप देखेंगे इंदौर में पहले लगभग टोटल सैंपल के परसेंट से ज्यादा पॉजिटिव आते थे, अब वो घट के 4-5% के आसपास आ गए हैं, बाकी निगेटिव आते हैं। और दूसरी चीज स्वस्थ होके जाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, यही भोपाल में टोटल जो सैंपल टेस्ट करते हैं उसका 1-1.5% ही पॉजिटिव पेशेंट्स आते हैं, जो प्रभावित इलाके हैं उनमें बाकी निगेटिव आते हैं। तो मैं मानता हूं कि बाय एंड लार्ज इंदौर भोपाल कंट्रोल में है। उज्जैन के लिए हमने फिर नई व्यवस्था बनाई है, वहां प्रशासन को भी कलेक्टर को भी हमने अभी बदला है और लगातार हम वहां की समीक्षा कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उज्जैन में भी स्थिति अब सुधरने लगेगी। बाकी अगर देखें आप पूरे मध्य प्रदेश को तो कई जिले ऐसे थे जो हमारे रेड या ऑरेंज जोन में थे, उनमें से ग्रीन में भी आ गए, और कुछ ऐसे हैं अब मैं मानता हूं कि चाहे वो धार हो, खंडवा हो, खरगोन हो, रायसेन हो, मंदसौर हो, रतलाम हो, देवास हो, अब स्थिति यहाँ पे कंट्रोल है। लेकिन एक बात मैं और विजय जी कहना चाहता हूं कि हमको कोरोना के साथ जीने की आदत भी डालनी पड़ेगी, क्योंकि इस वायरस का वैक्सीन नहीं बना और कोई दवा नहीं आई, तो ये वायरस से फैलने वाली बीमारी है, प्रकरण आते रहे, लेकिन हमको अपने लाइफ स्टाइल जीवन शैली बदलनी पड़ेगी। मसलन ये रुक कैसे सकता है, अगर 2 गज मुंह पे हम मास्क लगाएं, बार बार हम हाथ धोते रहें, हम थूके ना, इन आदतों पर काबू पाके फिर योग करें, व्यायाम करें, प्राणायाम करें, आयुर्वेदिक काढ़ा या ग्लोज ऐसी चीजों का सेवन, इम्यूनिटी से और काफी कंट्रोल होगा। और इसलिए हमको जीवन शैली में परिवर्तन करने की भी आदत डालनी पड़ेगी, हमको खुद सोचना पड़ेगा कि एक साथ भीड़ इकट्ठी ना हो, अब साथ शादी विवाह खर्चीली करने की क्या जरूरत है, बरातें जा लोग आ रहे हैं, भैया 5 इधर के हो जाओ 5 उधर के हो जाओ, शादी कर लो खत्म, मृत्यु भोज करने की जरूरत नहीं है, अंतिम संस्कार में भी सीमित लोग जाएं, कहीं भी धार्मिक समारोह अभी आयोजित ना हो। तो हमको ये सब भावना से और श्रद्धा से करना पड़ेगा, जीवन पद्धति अगर हम बदलेंगे तो कोरोना को काफी कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन सरकार, इसका अर्थ ये नहीं कि मैं सरकार कोई उपाय नहीं करेगी, ये कह रहा हूं सरकार तो अपने हर संभव उपाय करेगी, सरकार और समाज मिलके, क्योंकि भारतीय संस्कृति जीवन मूल्य और परंपराओं के अनुसार अगर हम जीना शुरू कर दें तो कई समस्याओं का समाधान हो जाएगा, अब हाथ मिलाने की जरूरत नहीं है, नमस्ते हमारा बहुत। पास जारी करने की व्यवस्था आप कुछ बनाने जा रही है, प्रदेश सरकार कुछ करने जा रही है इसके लिए? आज मैंने थोड़ी देर पहले बैठक की है और प्रदेश सरकार ने तय कर लिया है कि अभी हम जाना इसलिए रोक रहे थे रेड जोन से कि संक्रमण को फैलने का खतरा है, लेकिन आखिर कब तक लोग रुके रहे, वो भी बेचैन और परेशान हो रहे हैं, कई जगह बच्चे फंसे हुए हैं, बीमार फंसे हुए हैं, तीर्थयात्री फंसे हुए हैं, किसी कोई जरूरी काम से गए थे वो फंसे हुए हैं, और इसलिए हमने तय किया है कि हम अब ऐसे इलाकों से भी बच्चे हों या बाकी हों उनको जाने देंगे, पासेस की व्यवस्था करेंगे। अभी तक सोच ये था कि लॉकडाउन खुल जाए उसके बाद जाएं, लेकिन लॉकडाउन 17 मई तक है, 17 मई तक वेट करना संभव नहीं है, इसलिए उनको वो रजिस्ट्रेशन करवा लें अपने अपने जिले में कलेक्ट्रेट में, और रजिस्ट्रेशन करके उनका चेकअप करके हम धीरे धीरे उनको रवाना करेंगे, एक साथ रवाना करने में थोड़ा खतरा है और इसलिए हम धीरे धीरे रवाना करना कल से ही प्रारंभ कर देंगे, और उनके घर अगर वो गाड़ी अपने वाहन से जाना चाहते हैं तो वो उससे चले जाए, अगर माता पिता लेके जाना चाहते हैं कोई रिश्तेदार वो लेके चला जाए, उसको भी हम ई पास देंगे, और उनको अब रोकेंगे नहीं क्योंकि अब मैं मानता हूं कि काफी परेशान हैं लोग, इसलिए रास्ता निकाला है। शिवराज जी, अभी आप जो कोरोना संक्रमण की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस लड़ाई के बाद आपकी राजनीतिक लड़ाई भी है, उपचुनाव सामने है, 24 सीटों पर आपको चुनाव लड़ना है, और यदि आपको सरकार में बने रहना है तो 24 सीटों पर आपको चुनाव जीतना भी है। कांग्रेस ने कहा है, दावा किया है कि हम 20-22 सीटें जीतेंगे, आपकी क्या तैयारी है, आपकी क्या रणनीति है, आप कितने आश्वस्त हैं इस चुनाव को लेकर के?
देखिए, जनता फैसला करती है सरकारों के परफॉर्मेंस पर, और कांग्रेस की सरकार भी हमने नहीं गिराई, ये सरकार अपने बोझ से गिरी। आप जानते हैं मैं हमेशा कहता था, कई बार अगर लोग पूछते थे कि हम सरकार नहीं गिराएंगे, लेकिन सरकार ऐसी भ्रष्ट थी कि चारों तरफ त्राई त्राई मची थी, हाहाकार मचा हुआ था। वल्लभ भवन तो लोग बताते हैं कि दलालों का अड्डा जैसा बन गया था, कई तरह की चीजें, और उससे कांग्रेस के लोगों ने, विशेषकर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उन्होंने कई बार चेताया कि ये वचन पूरा करो, ये दिक्कत हो रही है, उनसे ही कहा कि तुम जो बने सो कर लो। अब उसके कारण प्रदेश को बचाने के लिए उनने फैसला किया, उनके साथियों ने फैसला किया, और बड़ी रिस्क लिया। देखिए, कोई व्यक्ति 5 साल के लिए चुना जाता है, उनमें से 6 तो मंत्री थे, कोई मंत्री पद आसानी से छोड़ता है क्या? चुनाव लड़ना पड़ेगा, बाकी कठिनाइयां उठानी पड़ेगी, कोई विधायक पद छोड़ता है क्या साल सवा साल में? मैं ये मानता हूं कि प्रदेश को बचाने के लिए साहसपूर्ण फैसला किया श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, ये जनता की भलाई में उन्होंने फैसला किया, प्रदेश के भले के लिए फैसला किया। और हमारे जिन साथियों ने 22 में त्याग पत्र दिए, उनने बड़ा त्याग किया है सचमुच, कोई ऐसे पद नहीं छोड़ता, मंत्री पद नहीं छोड़ता, प्रदेश को बचाने के लिए छोड़ा है, और मेरा पूरा विश्वास है कि वो सब के सब भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर जीत कर आएंगे, और हम फिर ये सारी सीटें जीत के बेहतर ढंग से सरकार चलाएंगे। शिवराज जी, बीते दिनों में आपकी भी दिनचर्या में काफी बदलाव आया होगा, आप कैसे अब काम कर रहे हैं? दर्शक हमारे ये भी जानना चाहते हैं कि आपकी दिनचर्या क्या रहती है इस समय, क्योंकि लगातार बैठ के करना पड़ती है, लगातार नई सूचनाएं आती रहती है और लोगों से आप डायरेक्ट मिल नहीं सकते, तो वो लोग जानना चाहते हैं कि आप कैसे अपनी दिनचर्या को कर रहे हैं। पहली चीज तो भैया जी ये बताऊं कि मैं अंदर से इतना तड़फा हूं, क्योंकि मेरी काम करने की जो तो स्टाइल थी वो जनता के बीच में जाके काम करने की थी। कोई भी संकट आया और मैं दौड़ पड़ता था और जनता के बीच पहुंच जाता था। ये कोरोना आया, मैं भोपाल में घूमना शुरू किया, मैं इंदौर जाना चाहता था, लेकिन गाइडलाइन मर्यादा, गाइडलाइन मर्यादा, नेतृत्व ने भी ये कहा भाई ये समय नहीं कि घूम के जनता के बीच में घूम घूम के करो, भीड़ इकट्ठी होगी तो तुम लॉकडाउन तोड़ दोगे और गाइडलाइन का पालन नहीं करोगे, और इसलिए कॉशसली ये कहा गया कि कोई घूम घूम के दौरे करके ये काम नहीं करेगा, आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और बाकी सारे तरीकों का इस्तेमाल करके आप व्यवस्था बनाओ, बैठ के करो। और इसलिए मैं सच बताऊं, इंदौर जाने के लिए तड़फ गया मैं, मुझे लगा कि संकट है, मुझे जाना चाहिए, उज्जैन जाना चाहता था, मैं खंडवा खरगोन जाना चाहता था, मैं धार जाना चाहता था, ग्वालियर जाना चाहता था, जबलपुर जाना चाहता था, अलग अलग जगह जहाँ लोग हमारे फंसे हुए हैं, मुझे लगता था उनके बीच खड़े रहने चाहिए, लेकिन मर्यादा ने मुझे बांध कर रखा। लेकिन सवेरे 5:30 बजे से मेरी दिनचर्या शुरू होती है, और रिकॉर्ड फोन शायद मैं एक दिन में 700 से लेके 1000 फोन सुनता हूँ या करता हूँ, क्योंकि लोग परेशान है तो उनके फोन बनाते हैं। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं अधिकतम अटेंड करने की कोशिश करूं, मैं सबको नहीं कर पा रहा हूं, फिर भी मैं कह रहा हूं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या है कि असंभव है सबसे बात करना। लेकिन सवेरे 6:30 से लेके 8:30-9 बजे तक मेरा फोन का सिलसिला पहले चलता है, मैं स्थिति की जानकारियां प्राप्त करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करता हूँ, विधायक सांसद गणों से बात करता हूँ, जिम्मेदार पदाधिकारी जिम्मेदार लोगों से बात करता हूँ, और उस फीडबैक को फिर जो आता है, फिर जहां मुझे पहुंचाना होता है वहां पहुंचाता हूं, वहां निर्देश भी देता हूं, और उसके बाद फिर पूजा और थोड़ा सा योग, योग भी आजकल कम हो गया है थोड़ा, लेकिन जरूर करता हूं योग प्राणायाम और पूजा करके, फिर मैं अपने घर में या ऑफिस में बैठ के जो जरूरी काम है वो करना शुरू करता हूं, और उसके बाद फिर मैं आता हूं वल्लभ भवन, तो देर रात तक यहां काम करता हूं। लेकिन वल्लभ भवन आने का मतलब एक नहीं, जैसे आज ही अभी 3 बजे MSMB के साथ मेरी बैठक है, 4 बजे कोरोना की समीक्षा है, उसके बाद आर्थिक गतिविधियों के बारे में जो मैंने टीम बनाई थी टास्क फोर्स, उसकी रिपोर्ट है, उसका अध्ययन करके कुछ फैसले करूंगा, फिर उसके बाद ये कोरोना सेस वगैरह के बारे में उसकी बैठक करूंगा, तो एक के बाद एक देर रात तक फिर ये सिलसिला चलता है, और बीच बीच में फिर जहां जरूरी चर्चाएं करनी होती है वहां जरूरी चर्चाएं करते हैं,
जनता को संबोधित भी करते हैं, अलग अलग समाज के सब वर्गों से बात करते हैं। तो कुल मिला के अलग स्टाइल में काम कर रहे हैं, लेकिन मेहनत पहले से ज्यादा हो रही, गले की हालत ही हो जाती है बोलते बोलते, फोन सुनते सुनते और करते करते कि रात को फिर मुझे इनकी मालिश करनी पड़ती है अपने हाथ से ही। लेकिन अलग तरह का संकट है, असली अलग तरह की परिस्थिति में नए ढंग से काम करके इसको कंट्रोल करने की कोशिश में लगे हुए, और मैं संतुष्ट इस बात से हूं कि सबका भरपूर सहयोग मिल रहा है। मुख्यमंत्री बहुत बहुत, हाँ जी आलोक जी, आलोक जी मेरे विचार से मुख्यमंत्री जी के पास समय अब कम है क्योंकि उन्हें एक बैठक में भी जाना है, तो हम अब यहाँ पर इसको समाप्त करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी आपका, और जिस तरीके से आप लगातार लगे हुए, उम्मीद करते हैं कि ये जो एक मुश्किल वक्त है, जो परिस्थितियां इस समय कोरोना को लेकर जो एक संकट है, इसमें कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश और पूरा देश जो है बाहर निकल कर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रिका जी, आपको भी पत्रिका समूह को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक ही अपील पत्रिका के माध्यम से मीडिया के मित्रों से, मेरी मीडिया समूहों से भी, कि ये बात सच है कि ये खतरा है, लेकिन इससे डरने की नहीं लड़ने की जरूरत है। और इसलिए कई बार जब आंकड़ा इतने के बाद स्थिति भयावह ऐसी कुछ चीजें आती है तो जनता का मनोबल भी थोड़ा अलग सा बनता है, और इसलिए हम सबकी ड्यूटी है, मेरे सहित राजनेताओं सहित सभी राजनीतिक दल के लोगों सहित समाज के लोगों सहित मीडिया की भी, कि हम संकट है लेकिन लोगों के बीच में उत्साह भी जगाते चलें, जागरूक भी करते चलें, और यही संदेश दें कि नहीं लड़ेंगे और हम जीत के मानेंगे। मानव सभ्यता के इतिहास में कई बार ऐसे संकट आए हैं लेकिन फिर भी हमेशा हम जीते हैं, ये विश्वास का भाव भी अगर हम पैदा करते रहेंगे तो लोग हिम्मत के साथ लड़ते रहेंगे और हम जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी आप।